इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने घर की औरतों को इस बात से दूर रखो क्योंकि ये ऐब अल्लाह की रहमत औरत से दूर कर देता है और यूं वो औरत घर के लिए मनहूस साबित होती है। तो लोगों ने पूछा, ऐ नवासाए रसूल, कौन से ऐब? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने बाबा, उन्होंने अपने बाबा और उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना कि वो औरत जिसका महर ज्यादा हो या वो औरत जो अपने शोहर की नाफरमानी करती हो, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है और यूं वो घर के लिए परेशानी और नौसत बन जाती है। याद रखना, औरत का हक महर इतना हो कि निकाह करते वक्त शोहर आसानी से अदा कर सके, और दूसरा औरत के लिए मुबारक ये है कि वो निकाह के बाद अपने शोहर की फरमा बरदार बनकर जिंदगी बसर करे। जिस औरत में ये दो खूबियां होती हैं, तो फरिश्ते उस औरत के कदम चूमते हैं और अल्लाह की रहमत वहाँ वहाँ बरसती रहती है जहाँ जहाँ वो औरत अपना रुख करती है।